जुर्म के पहले जमीर की दस्तक, जुर्म के बाद सजा का साया। कोई भी मुजरिम इनसे बच नहीं सकता। क्राइम पेट्रोल सतर्क का आज का ये एपिसोड 2 घंटे का स्पेशल एपिसोड है। मैंने रवि की आवाज सुनी, मुझे पुकार रहा था वो। गीता, क्या वाकई वो रवि था? तुमने देखा उसे? आई आई रवि, रवि रवि, दरवाजा खटखटा रहा था। अरे गीता, दरवाजे पर कोई नहीं था। रवि था, मैंने उसकी आवाज सुनी। नहीं आई, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। मैंने भी कुछ नहीं सुना। मैंने सुना, साफ साफ सुनी थी मैंने उसकी आवाज। शांति गीता, संभालो अपने आप को। तुम्हारा रवि अवश्य घर लौट आएगा। कब बाबा? 2 दिन हो गए उसे घर से गए। आई, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट कर आना, वरना दादाजी की डांट खानी पड़ेगी फिर से। आई रवि कहीं फंसा हुआ है। कहाँ बाबा? ठिकाना नहीं दिख रहा, बस इतना दिख रहा है कि वो कहीं फंसा है। पर उसका लौटना भी दिख रहा है। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने कहा था कि रवि के फोन लोकेशन से आप लोग उसका पता लगा लेंगे। मेरा पोता कहाँ है देशमुख? विष्णु जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रवि के फोन रिकॉर्ड आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कल सुबह ही हमने फोन कंपनी में अर्जी दी है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन का तो और सवाल पैदा ही नहीं होता है। आप अभी के अभी अपने हेड ऑफिस में बात कीजिए। देखिए, रवि शिंदे के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे हाथ में कल ही आ जाने चाहिए थे, उतना अर्जेंट है। जी हाँ जी, मनीष, आपने जितने भी नाम दिए हमें रवि के दोस्तों के, सबसे पूछताछ की हमने, लेकिन सबका यही कहना है कि रवि उनके पास नहीं आया। 7 तारीख की शाम रवि हमारे साथ नहीं था। हम सभी फ्रेंड शाम को मिले तो थे, पर वो तो अभी नहीं आया था। प्रभात, रवि के घर वालों का कहना है कि वो 7 तारीख की शाम 4 बजे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकला था। तुम लोगों के साथ नहीं गया तो फिर किसके साथ गया होगा? कहना मुश्किल है मैम, हम 5 लड़कों का ग्रुप है। प्रभात, रवि, अमित, आतिफ और मैं, हम तकरीबन रोज मिलते हैं। और मैम, हमारे अलावा रवि ऐसे किसी के साथ जाएगा नहीं। लेकिन राजन, रवि ने अपनी आई से साफ बोला था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। स्कूल के बाद हम सभी ट्यूशन गए और करीब 2:30 बजे हम अपने अपने घर चले गए। शाम को 5:30 बजे का प्लान था गोल मैदान में मिलने का, लेकिन वो तो शाम को 4 बजे अपने घर से निकल गया था। सर, प्रोग्राम तो 5:30 बजे का था, तो 4 बजे हमसे मिलने क्यों निकलेगा रवि? तो क्या शाम को 4 बजे वो किसी लड़की से मिलने गया होगा? लड़की यानी गर्लफ्रेंड? रवि की कोई गर्लफ्रेंड थी? रवि की कोई गर्लफ्रेंड हो और हमें पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, कहीं किसी ने भगवा तो नहीं कर लिया रवि को? किसी पर शक है मनीष? अगर ऐसा है तो बस एक हिंट दे दो। वैसे आप सभी के फोन टैप किए जा रहे हैं, अगर किसी ने अपहरण किया है रवि तो फिरौती के लिए कॉल आएगा ही आएगा। मेरे पोते को ढूंढने में नाकाम साबित हो रहे हो तो ये अपहरण वपहरण की बात कर रहे हो? अरे किसकी हिम्मत है मेरे पोते पर हाथ डालने की? रवि के जरिए कोई आपको तकलीफ देना चाहता हो या आपके पिता विष्णु जी को कोई दर्द देना चाहता हो? आपको हमारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। मैं मानता हूँ कि जिले में हमारा नाम है सीमेंट की ट्रेडिंग में, लेकिन धंधा बिल्कुल साफ है सर, सीधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई राग पकड़े, किसी के साथ कोई दुश्मनी हो या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो। रवि की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो? आखिर बात क्या है? रवि 2 दिन से घर नहीं लौटा है, कहाँ है रवि? मनीषा दा, हमें सच में कुछ आइडिया नहीं है, हम चारों को कुछ नहीं पता है। कैसे नहीं पता रे प्रभात? हाँ, तुम 5ों एक साथ उठते बैठते हो, घूमते घामते रहते हो जयंत काका, लेकिन 7 तारीख की शाम को हम रवि से मिले ही नहीं, हम सच कह रहे हैं। तो क्या रवि ने ऐसे झूठ बोला कि दोस्तों के साथ जा रहा है और गया कहीं और किसी और के साथ? कौली फिसलने वाली उम्र है रवि की, पूछना चाहिए था ना कि वो कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। विठल बाबा ने कहा, उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, रवि कहीं फंसा हुआ है। कहां फंसा हुआ है? वो नहीं दिखा बाबा को? नहीं, लेकिन कह रहे थे
दावे के साथ कि रवि लौट कर घर आएगा। कब गीता, कब? मनीष दादा, मैं पक्का नहीं बोल सकता, पर अरे कच्चा पक्का बाद में देखेंगे, पहले बोल तो आतिफ। वो उस दिन मैं घर से निकला था ना गोल मैदान के लिए अपने ग्रुप को मिलने के लिए, उस दिन मैंने रफीक को देखा था, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे खुन्नस दे रहा है। मेरे दिमाग में बस ख्याल आया कि कहीं रफीक ने उस दिन के झगड़े का बदला तो नहीं लिया जो उसका रवि और प्रभात के साथ हुआ था। क्यों प्रभात? साहब मैं साधना उन्हों को रवि से मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है। साहब छोड़ दीजिए। अरे वाह साहब, अरे रवि शिंदे बड़े घर का लड़का, इसका मतलब मेरे बेटे पर कोई भी इल्जाम लगा देंगे आप। अरे उसको भेड़ भाड़ियों की तरह आप उठा कर लेके जा रहे साहब। रफीक कुछ किया है तो बोल दे। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया, और सर रवि के साथ ना मेरा इतना सा झगड़ा नहीं हुआ, अगर मेरा लफड़ा था ना तो वो प्रभात के साथ था। प्रभात जो रवि का जिगरी दोस्त है? हाँ साहब वही। साहब प्रभात के साथ मेरा लफड़ा था और उस लफड़े में रवि कूद पड़ा अपने दोस्त को बचाने के लिए। अरे मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा तू। रफीक, रफीक छोड़, मतलब दोनों ने जम के धोया तुझे। साहब अगर अकेले अकेले आते ना तो एक एक को साले को घुमा घुमा के मारता मैं। यानी मौका ढूंढ रहा था तू अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए? साहब वो एक बिद्दी सी लड़ाई थी, उसके लिए मैं क्या मौका ढूंढूंगा, और वो भी एक महीने पहले हुई थी स्कूल के बाहर। और 7 तारीख को जब तुझे रवि अकेला मिला तो तुझे सब याद आ गया, तू झपट पड़ा उस पे। अब मैं कहां और कब झपटा, अब जगह बताओ। साहब ये रवि है ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये शिंदे सीमेंट ट्रेडर्स के खानदान से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी चीज है ये। और साहब उस लड़ाई के बाद प्रिंसिपल ने मुझे तो बहुत डांट मारी पर उसको कुछ नहीं बोला। तो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए क्या किया तूने, पीटा उसे? साहब मैंने कुछ नहीं किया, और साहब मेरा पंगा प्रभात से था, अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं प्रभात से लेता, मैं रवि से क्यों लेता? हाँ हमें रफीक के साथ हुई इस हाथापाई के बारे में खबर मिली थी और हमने स्कूल में शिकायत भी की थी। रफीक से डिटेल पूछताछ की, काफी तोड़ा भी उसे, लेकिन मना कर रहा है कि उसने बदले के लिए कुछ किया। झूठ बोल रहा होगा सर, खुद की खाल बचाने के लिए। एक झूठ तो रवि ने भी बोला मनीष, कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है। रवि क्या बचाने या छुपाने की कोशिश कर रहा था? रवि इससे पहले हमसे या अपनी आई से झूठ बोलकर कहीं गया ही नहीं है सर। हाँ ऐसा हो सकता है कि उसे कोई बुरी आदत हो, मतलब दोस्तों के साथ चिप चिप कर सिगरेट पीना ऐसा कुछ, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर घर से जाना और फिर गायब हो जाना, सर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। एक सच तो यह है जयंत जी कि 7 नवंबर को 4 बजे रवि को घर से निकलते हुए पूरे मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा। सर आप रवि के फोन की लोकेशन से उसका पता लगाने वाले थे ना, ये पता लगाने की उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ है? सर रवि का फोन तो ये सोलापुर में स्विच ऑफ हुआ हाईवे के पास शाम को 7 बजे, और लास्ट फोन कॉल शाम को 6:30 बजे किया गया। कॉल किसको किया होगा रवि ने? रिंग तो जा रही है। हेलो, मैं कविराय पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ विक्रम वर्तक बोल रहा हूँ, वर्तक कंस्ट्रक्शन का मालिक। बोले पटेल साहब, आप रवि शिंदे को कैसे जानते हैं? रवि शिंदे कौन है ये रवि शिंदे? 7 नवंबर की शाम को 6:30 बजे रवि ने आपको कॉल किया था। 16 साल का है रवि, 11वीं में पढ़ता है, वो पिछले 3 दिन से गायब है। गायब? लेकिन पाटिल साहब ये रवि शिंदे है कौन और मुझे क्यों फोन करने लगा? रवि के नंबर से आपके नंबर पर फोन किया गया 45 सेकंड बाद, बाकायदा रिकॉर्ड है इसका। फोन क्यों किया गया था, क्या बातें हुई, ये तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए पाटिल साहब, मैं एक बिल्डर आदमी, दिन भर में मुझे 100 से ऊपर फोन आते हैं, अच्छे भी और फालतू भी। अब ये 16 साल का लड़का रवि शिंदे मुझे क्यों फोन करने लगा? सच में मुझे कुछ भी याद नहीं इस फोन के बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि रवि शिंदे विष्णु शिंदे का पोता है और जयंत शिंदे का बेटा, जो शिंदे सीमेंट ट्रेडर्स के मालिक है। हाँ नाम तो सुना है शिंदे सीमेंट ट्रेडर का, लेकिन किसी वर्तक कंस्ट्रक्शन में हमारा माल ही नहीं जाता सर, और हमारा रवि किसी कंस्ट्रक्शन वाले को फोन क्यों करेगा? विक्रम वर्तक कह रहा है कि उसे याद नहीं है कि रवि से उसकी बात हुई हो, लेकिन रवि ने विक्रम वर्तक को फोन किया था इसमें कोई डाउट नहीं है, रिकॉर्ड्स है, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से रवि का फोन शाम को 7 बजे हाईवे के पास स्विच ऑफ हुआ। हाईवे के पास?
विक्रम अंकल, लेकिन सर 7 तारीख को तो हम सब गोल मैदान में मिलने वाले थे 5:30 बजे रोज की तरह। 5:30 बजे रवि जब तुम लोगों के पास नहीं आया तो तुम लोगों ने उसे फोन क्यों नहीं किया? अगर कोई प्लान बनता है या प्रोग्राम बनता है और कोई ना है, खास करके शाम के अड्डे पर, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो बिजी होगा, इसलिए फोन नहीं करते हम। देखो, तुम लोगों को अगर कुछ भी पता है तो अभी बता दो। रवि और तुम्हारा कुछ पंगा था या कुछ लेना देना था इस विक्रम वर्तक से? मनीषा दा, हम तो ये नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, विक्रम वर्तक। मेरा रवि कहीं फंसा हुआ है। आपका रवि कहाँ फंसा हुआ है गीता जी? ये नहीं पता। लेकिन अभी आपने कहा कि आपका रवि कहीं फंसा हुआ है। सर, दरअसल ये बात विठल बाबा ने कही थी गीता से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रवि इस विठल बाबा के पास फंसा हुआ हो? नहीं नहीं सर, विठल बाबा जो है वो हमारे घर के पुराने पुजारी हैं, सारे पूजा पाठ वही देखते हैं, ज्योतिष भी हैं, ध्यान व्यान लगाकर कुछ कह देते हैं। लेकिन सर, ये विक्रम वर्तक, उसकी रवि के साथ क्या बात हुई होगी? देखिए मैडम, क्रेडिट कार्ड, लोन, NGO वगैरह वगैरह से मुझे थोक के हिसाब से फोन आते हैं। मैं हेलो शेलो बोलता हूँ, वो शुरू करते हैं, मैं काट देता हूँ। हेलो, क्या मेरी विक्रम जी से बात हो रही है? जी हाँ, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं ABCD बैंक से बोल रही हूँ, मुझे आपका नंबर मेरे डेटाबेस से मिला है, मेरे पास एक स्कीम है। उसके बाद आप ये फोन काट देते हैं, टोटल हुए 15 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड बात करते होंगे। लेकिन विक्रम जी, आपकी रवि से 45 सेकेंड बात हुई। रवि से मेरी 45 सेकेंड क्या बात चली? मुझे कुछ भी याद नहीं। कहीं ये रवि किसी कॉल सेंटर में तो काम नहीं करता? स्टूडेंट है, अच्छे खाते पीते घर का लड़का, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी फैमिली से पूछे कि वो मुझे फोन क्यों करेगा, बाकी मुझे तो याद नहीं। सर, रवि शिंदे के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स को स्कैन किया, एक नंबर पर लगातार बात होती रही रवि की। किसी लड़की का नंबर है ये? सर, नंबर तो किसी भरत दलवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। देर रात तक बातें होती थी रवि की इस नंबर पे। 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच भी लगातार बातचीत हुई है, बट 7 नवंबर जिस दिन रवि गायब हुआ उस दिन एक भी कॉल नहीं हुए और ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। भरत दलवी, इस नाम के उभरने से इस केस में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था, साथ ही बिल्डर विक्रम वर्तक का सामने आया नाम इस साजिश का नया पिटारा खोलने वाला था। भरत दलवी? नहीं सर, इस नाम का तो कोई नहीं हमारे क्लास में। क्लास में नहीं हो, शायद स्कूल में हो। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो तुम लोग। इस भरत दलवी की रवि के साथ पिछले 1 महीने से फोन पर लगभग रोजाना बात हो रही थी। ए प्रभात, वो एक लड़की है ना? अरे साधना, अरे 10th के बैच में है ना? अरे हाँ सर, भरत दलवी का तो पता नहीं, लेकिन हम एक साधना दलवी को जरूर जानते हैं। साधना दलवी? कौन है साधना? स्कूल में है तुम्हारे? नहीं मनीष दादा, PK क्लासेस में, 10th के बैच में, 1 साल जूनियर है, बस कभी हाई हेलो होती है। अरे खरा बोला रहे तुम्हें, रवि का उस साधना के साथ हाई हेलो से ज्यादा कुछ होता था? आपका मतलब आप कह रहे गर्लफ्रेंड? कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। क्या रवि उस साधना को पसंद करता था? क्या उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा था? ये PK क्लासेस कहाँ है? जी हाँ, साधना 10वीं के साइंस बैच में। साधना का पूरा नाम क्या है? साधना भरत दलवी। ये साधना इस वक्त क्लास में है? जी नहीं, वो तो करीब 8 नवंबर से एब्सेंट है। साधना का एड्रेस दीजिए जल्दी। वैसे सर मैटर क्या है, साधना मिल गई क्या? मिल गई मतलब? साधना मिसिंग है क्या? जी हाँ, आप लोगों को कैसे नहीं पता, कल भी तो आए थे पुलिस वाले साधना के बारे में पूछते हुए। कौन से थाने से? वो तो नहीं पता, सुना है कि परसों 9 तारीख को साधना के घर में कुछ हुआ था और तभी से साधना मिसिंग है। यस, बालवीर कॉलोनी। बाबू, बाबू, मिल गई क्या मेरी बेटी साधना? दरअसल हम दूसरे केस के सिलसिले में आए, रवि शिंदे नाम का लड़का 7 नवंबर से गायब है। ये नंबर भरत दलवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप भरत दलवी हैं? हाँ। आपकी बेटी साधना इस्तेमाल कर रही थी इसे? हाँ जी, करती थी। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? रवि शिंदे के फोन रिकॉर्ड से आपकी बेटी साधना का कनेक्शन मिला है हमें, उन दोनों की अक्सर फोन पे बातें होती रहती थी। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? हमारी साधना और रवि शिंदे का कनेक्शन, ये रवि शिंदे कौन है? देखिए हम अभी तहकीकात कर ही रहे। आपकी बेटी साधना 9 नवंबर से गायब। हाँ, और आज 11 नवंबर है। आप लोग कर क्या रहे हैं? मेरी बेटी को ढूंढ रहे हो नहीं? कौन से थाने में कंप्लेन दर्ज कराई थी आपने? जी सर, साधना भरत दलवी की मिसिंग कंप्लेन हमारे यहाँ दर्ज है। 9 नवंबर की शाम को साधना के घर वालों ने दर्ज की थी।
साधना के फोन रिकॉर्ड्स अभी तक आए नहीं है और हमारे खबरी काम पर लगे हुए हैं। ऊपर से चोरी का केस भी दर्ज है। चोरी? कैसी चोरी? साधना के गायब होने से पहले भरत दलवी के घर में चोरी हुई थी सर। 9 तारीख को चोरी हुई और 9 तारीख को ही साधना भी गायब। जी सर, चोरी के वक्त साधना घर पर अकेली थी। अब मैं पूरी रामायण आपको फिर से सुनाऊं? एक तो आप मेरी बेटी को ढूंढ नहीं रहे हो और वही सवाल वही के वही फिर से पूछ रहे हो। भरत जी, हम अलग पुलिस स्टेशन से आए हैं, हमारा केस अलग है और हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या होगा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि हमारी साधना, ये जो कोई भी लड़का है, उसके साथ भाग गई है? रवि शिंदे नाम है लड़के का और अभी हम कड़ियां ढूंढ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। भरत जी प्लीज, आप एक और बार बताइए हुआ क्या था। मैं और मेरी पत्नी मानसी, हम लोग 9 तारीख की दोपहर में बाहर सत्संग में गए थे। वहां से हम लोग एक दोस्त के घर गए, उसकी आयु गुजर गई थी। मेरी बेटी साधना अंदर एग्जाम की तैयारी कर रही थी, अकेली थी वो। साधना, साधना, नंदू को बाजार भेजी हूँ, कुछ चाहिए क्या? नहीं आई। अच्छा सुन, दूध गर्म करके पी लेगी ना? जाओ ना आई, दूध पीती तो क्या बच्ची ही समझेंगे मुझे। आप और बाबा जाओ, मेरी फिक्र मत कर। नहीं जाते हैं, उसको बोलना शाम को फोन करता हूँ। और वो ऑफिस से कर्टन लेके आना। हमें घर से निकले हुए कुछ 2-3 घंटे हुए थे तभी नंदू का फोन आया, कुछ हड़बड़ाया हुआ था। बाजार से घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था। भाऊ, मैं घर पर आया और देखा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ है, सब सामान बिखरा हुआ है। भाऊ, मुझे लगता है कुछ हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। भाऊ, मैं घर आया तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब सामान बिखरा है और अपनी साधना में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ हुआ है भाऊ? कुछ हुआ है? साधना, मानसी, अगर मानसी इकड़े। साधना कुठे गेली? मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन दरवाजा किसी ने खोला नहीं। घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। लॉकर तोड़ा गया था? हाँ सर, पर घर में किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। साधना घर है तुम? जरा ट्यूशन में फोन कर। नहीं, ये क्या? भरत जी, दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, दरवाजा खोला गया होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी बेटी ने चोर के लिए खुद दरवाजा खोला, उसे घर लूटने दिया और चोरी के बाद उसके साथ भाग गई। भाऊ, साधना के सभी फ्रेंड को कॉल किया, किसी के घर पे नहीं है वो। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या कोई दोपहर में आपके घर आने वाला था? मैं और मेरी पत्नी बाहर गए थे, मेरी बेटी अकेली एग्जाम का तैयारी कर रही थी, तो हम क्यों किसी को घर पर बुलाएंगे, आप बताइए। सभी पड़ोसियों से पूछा, किसी ने कुछ आवाज नहीं सुनी, कोई चिल्लाना नहीं, तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी संभावना ये होगी कि इस लूट में खुद साधना शामिल रही होगी। सर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, पर अब जबकि रवि शिंदे और साधना दलवी दोनों के केसेस आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, हो सकता है कि साधना और रवि दोनों ने मिलकर कुछ किया कराया हो। उन पुलिस वालों का कहना था कि मेरी बेटी साधना ने अपने घर में चोरी की और भाग गई, ये बात मुझे बहुत वाहियत लगी थी। और अब आप लोग कह रहे हो कि मेरी बेटी साधना उस रवि शिंदे के साथ मिलकर मेरे घर में चोरी की और भाग गई उसके साथ। भरत जी, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये बात भी सच है कि आपकी बेटी साधना और ये रवि शिंदे दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और अब दोनों ही गायब हैं। और आप 2 और 2 का 5 बना रहे? 15 साल की भतीजी मेरी 9 तारीख से गायब है, पता नहीं किस हाल में होगी। और आप कह रहे हैं कि वो रवि शिंदे 7 तारीख से गायब है, मतलब वो 2 दिन से हमारे घर में बैठा हुआ था, हमारे यहाँ उसने चोरी करी और अब वो अगवा करके मेरी साधना को ले गया है। पागल हो गए आप लोग? संगीता जी, होने को कई संभावनाएं हैं। देखिए मैडम, संभावना बेमावना छोड़िए, आप खुद ही पैदा कर रही है। मेहरबानी करके मेरी साधना को ढूंढिए, सिर्फ 15 साल की है। 7 नवंबर के बाद साधना के फोन से कोई कॉल नहीं हुआ और ना ही उसे कोई कॉल आया। अजीब इत्तेफाक है, 7 तारीख को ही रवि शिंदे का फोन स्विच ऑफ हुआ, लेकिन साधना का फोन तो उसके घर से मिला, उसे लूटा नहीं गया। सर, इस कनेक्शन में एक डिस्कनेक्शन है। रवि शिंदे 7 नवंबर को घर से भागता है और साधना 9 नवंबर को, और अगर ये दोनों साथ में भागे हैं तो ये बीच में एक दिन का गैप क्यों रखा गया? शायद ये उनका प्लान हो। सर, मैं साधना और रवि की पूरी हिस्ट्री में जाना हूँ। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते, साधना 10th में और रवि 11th, पर दोनों एक ही कोचिंग क्लास में जाते, दोनों बराबर फोन पे टच में भी रहते हैं। इन दोनों का गायब होना एक इत्तेफाक भी हो सकता है, ये महज एक दोस्ती भी हो सकती है या फिर एक प्रेम कहानी। और प्रेम कहानी में जोड़ा तभी भागता है जब प्रेम में कोई रुकावट हो। इन दोनों केसेस में कोई ना कोई झूठ बोल रहा है और थोके भाव बोल रहे हैं। वो रवि के दोस्त भी हो सकते हैं
और दोनों तरफ के माँ बाप भी। सर साधना के फ्रेंड सर्कल्स में पूछताछ बनती है। बिल्कुल, रवि और साधना के बीच क्या रिश्ता है ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का रास्ता तय करेगा। हम बता तो चुके हैं, हम सभी साधना को जानते हैं और रवि भी जानता ही होगा। सर हम दोस्तों के बीच लड़के को लेकर बातचीत होती रहती है कि किसको कौन अच्छी लगती है, किसको कौन पसंद है। दो तीन बार रवि ने साधना का जिक्र तो किया था, बोला था कि इस साधना बहुत अच्छी लड़की है, स्मार्ट है। और अब दोनों गायब। देखो लड़कों, अभी भी वक्त है, बता दो क्या प्लान था उन दोनों। रवि ने कभी चूतक नहीं किया किसी पहन वहन के बारे में, और रवि और साधना के बीच हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सीरियस होगा भी उन दोनों के बीच। साधना ने ऐसी कोई बात कही थी रवि के साथ भागने के बारे में? साधना ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस एक बार कैजुअली कहा था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और रवि काफी स्मार्ट लड़का है। कुछ और बताया था साधना ने, जैसे कि उसकी फैमिली उससे नाराज हो या मारा पीटा हो या कुछ और? साधना ने तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। और मैडम ये जो चोरी हुई है, मेरे हिसाब से साधना ऐसा कभी नहीं कर सकती। रिश्ते के खिलाफ थे? अरे 16 साल के लड़के का कैसा रिश्ता। और सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं इस लड़की साधना के बारे में, तो खिलाफ कैसे होंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, खिलाफ तब होते जब कुछ पता होता ना। सर आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रहे हैं। इनका बेटा किसी मुसीबत में होगा और मेरी भतीजी कहीं और फंसी होगी। सर सर अगर खिलाफ होते इनके लड़के के साथ दोस्ती और रिश्ते को लेकर, तो जब हमारी साधना गायब हुई थी तभी हम इनके लड़के का नाम लेते और चिल्ला चिल्ला कर कहते कि इनके लड़के ने ही भगाया हमारी बेटी को। और हम साधना के बारे में पता होता तो सबसे पहले हम उस तरफ देखते ना। तो फिर वो घर से झूठ बोलकर क्यों निकला विष्णु जी? कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से रवि को कोई तकलीफ देना चाहता था? रवि किस बात को लेकर डरा हुआ था? कोई दर्द देना चाहता था उसे? कोई गुस्सा था उसके खिलाफ? रवि घर पर यह कहकर निकला कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। और भरत जी, जब आपके घर पर यह सब हुआ उस वक्त आपकी बेटी साधना घर पर अकेली थी, चोरी हुई, लेकिन ना कोई चीखना ना चिल्लाना, ना ही कोई घर में जबरदस्ती घुसा। तो क्या कोई गिरोह नहीं हो सकता जो किसी तिकड़म से घर में घुसा हो और मेरी बेटी को उठा के लेके गया हो घर लुटते लुटते? और इस सब में मेरी बेटी का हाथ है, ऐसा आइडिया आपको कहां से आ गया जी? अनि समझा हमारे बेटे ने झूठ बोला, क्यों अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है पर गया कहीं और किसी और से मिलने। पर आपकी पुलिस क्या कर रही है? अब तक एक खबर नहीं निकाल पाई कि मेरा बेटा कहां गया होगा। एक मिनट जैन जी, रवि की विक्रम मृतक से बात हुई थी, ये खबर दी थी हमने आपको, विक्रम से क्वेश्चनिंग भी की थी हमने। तो क्या करें हम, अचार डालें इस खबर का या इस विक्रम वर्तक का? एक मिनट, ये विक्रम वर्तक अचानक कहां से आ गया इस सबके बीच? आप जानते हैं विक्रम वर्तक को? नस नस से वाकिफ हूं साले के। विक्रम जैसा लिच्चट आदमी इस दुनिया में नहीं है। रवि के फोन से आखिरी कॉल विक्रम वर्तक को की गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कमीना विक्रम इनके बेटे और हमारी बेटी के साथ कोई खिलवाड़ कर गया हो? किस किस्म का खिलवाड़, जरा खुल के बोलेंगे आप लोग? भरत जी आप विक्रम वर्तक को कैसे जानते हैं? मेरा और उसका एक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। जमीन मैंने खरीदी है लेकिन वो धोखाधड़ी और चालाकी से साबित करना चाहता है कि वो उसकी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन इस विक्रम का हमारे रवि से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता, मैं तो विक्रम और अपनी दुश्मनी की बात कर रहा था। भरत जी ये विक्रम वर्तक आपकी बेटी साधना को भी जानता है? पहले आप ये बताइए ये सभी विक्रम का ही किया कराया है? मुझे लगता है विक्रम इनके बेटे और हमारी बेटी को ढाल बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है हमसे बदला लेने के लिए। ए, क्या हो एक रहा एक है? गिरानी पड़े, गिरा दो, ढूंढ निकालो दोनों बच्चों को। अरे रुको रुको, अरे रुको, कहां जा रहे हो आप लोग? दोनों बच्चे कहां है विक्रम वर्तक? सभी शिंदे और साधना दलवी कहां है? पहले आप एक लड़के को मेरे सर पे चिपकाते, अब एक लड़की को भी, आपने समझ के क्या रखा मुझे? तुम्हें समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है विक्रम वर्तक, हमें दोनों बच्चे चाहिए। क्या कर रहे हो आप लोग? कोई हमें कुछ बताएगा अभी क्या चल रहा है सब? तुम्हारी सारी कंस्ट्रक्शन साइट, सारे फार्म हाउस, सबकी डिटेल चाहिए मुझे। वहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर तुम ही बता दो कहां छिपा कर रखा है बच्चों को? आप एक एवं आवे कॉल को पकड़ के चल रहे हैं और मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। वो कॉल तुम्हें ही क्यों आया विक्रम वर्तक? क्यों फोन किया होगा रवि ने इस विक्रम वर्तक को? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। ये सारा माजरा इस विक्रम वर्तक और भरत दलवी के बीच का ही होगा और हमारा रवि बेकार में फंस गया लगता है। मनीष गाड़ी निकाल,
इस भारत दलवी से ही बात करनी है मुझे अलग से। विक्रम वर्तक की सारी कंस्ट्रक्शन साइट, फार्म हाउसेस सब पर रेड करो, कोना कोना तलाशो। ये पुलिस हमें समझती क्या है? आपके कोई क्रिमिनल है जो आपको ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं? सुनिए इंस्पेक्टर, आप लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं उन लोगों के साथ साथ आप लोगों को पर भी मानहानि का दावा ठोकूंगा। जो करना है वो कर लेना विक्रम वर्तक, हमें दोनों बच्चे चाहिए। डलवाड़ी में ये भी कोई तरीका हुआ? मुझे सच में नहीं पता विष्णु जी, जैसे आप अपने रवि को लेकर परेशान हैं, मैं मेरी बेटी को लेकर मरा जा रहा हूँ। हमारी साधना को यह अगवा किया गया है या गुमराह? गुमराह किसने किया मानसी जी? इस विक्रम वर्तक ने ना? पर इस सब में हमारा रवि क्यों पिसता है जी? शायद आपकी बेटी की उसके साथ दोस्ती रही होगी, हालांकि हमें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन रवि ऐसा लड़का नहीं है कि कहीं बिना बताए भाग भाग जाएगा। यही बात तो हम हमारी बेटी के लिए कह रहे हैं, वैसे भाग नहीं जाएगी। विक्रम वर्तक ने आपको कभी कोई धमकी दी थी? हो सकता है उस धमकी को अंजाम देने के चक्कर में इस विक्रम ने आपकी साधना के साथ साथ हमारे रवि के साथ भी कुछ कर दिया हो। भरत दलवी से बदला लेने के लिए मैंने भरत दलवी की बेटी साधना दलवी और रवि शिंदे के अफेयर के बारे में सबसे पहले पता किया, फिर दोनों के सर पे मैंने जादू की छड़ी घुमा दी, दोनों को अपने परिवार के खिलाफ बगावत करने को कहा, और दो मिनट में दोनों मेरे लिए कठपुतली भी बन गए। मैं जो जो कहता गया वो करते गए। यही कहना चाहते ना? हुआ तो यही है ना। विक्रम अंकल, मैं घर पर बोलकर आया हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया रवि, अब तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर और सीधा हाईवे से ऑटो रिक्शा पकड़ और मेरे फार्म हाउस पे पहुंच जा। और उसके बाद बैठकर प्लान बनाते ना बेटा। भरत दलवी के घर में हुई चोरी चोरी थी नहीं, साधना एक बार नहीं चल रही, भरत दलवी के घर में जबरदस्ती घुसने का एक सिंगल सुराग नहीं मिला। मतलब मेरे आदमी साधना दलवी के घर गए और साधना दलवी ने बड़ी आसानी से उन्हें घर में लिया, उन्होंने चुपचाप चोरी करी और साधना दलवी को अपने साथ ले गए रवि छिंदे के पास छोड़ने। हाँ, यही तो हुआ था ना। तुम तैयार हो ना? हाँ, बस आपको लॉकर तोड़ना होगा। और फिर तुम बताओ तुम्हारा क्या कराया है? मेरा तो आपने सुनना ही बंद कर दिया, आपको तो अपनी कहानी सुननी है, मनगढ़ंत कहानी। कहानियां मनगढ़ंत हो सकती हैं विक्रम वर्तक, फोन रिकॉर्ड्स नहीं। रवि शिंदे ने अपना फोन स्विच ऑफ करने से आधा घंटा पहले तुम्हें कॉल किया, वही रवि शिंदे जिसकी दोस्त साधना दलवी के पिता भरत दलवी से तुम्हारी गहरी दुश्मनी है। आप क्या जानते मेरी और भरत दलवी की दुश्मनी के बारे में? हम दोनों के बीच एक जमीन को लेकर अनबन है और ये मसला पिछले दो साल से कोर्ट में चल रहा है। अब अगर मैं बाहर कोई तिगड़म भी अड़ाऊं, फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना। हाँ, लेकिन कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ भी तो जा सकता है, इसलिए तुमने ये तिगड़म। उसने मुझे धमकी दी थी, 3 हफ्ते पहले मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर उसने मुझे धमकाया था। देख विक्रम, जिस आदमी ने मुझे वो जमीन बेची है उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसकी और तुम्हारी उस जमीन को लेकर अनबन चल रही है। अब वो जमीन मेरी है और तुम उस पर दावा कर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? हाँ बोल, मेरी गलती है कि तुमने बिना किसी कागजात को देखे, बिना कोई जांच पड़ताल की सीधे जाकर उस विवाद में फंसी हुई जमीन को खरीद लिया। मैंने जमीन का मार्केट रेट दिया है, वो जमीन मेरी है, तुम्हारा जो भी विवाद था मिट्टी डालो उस पर और आगे बढ़ो। ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ लेकिन कहूंगा नहीं, क्योंकि अब तो इसका फैसला अदालत में होगा और अदालत का जो भी फैसला होगा वो मेरे को मंजूर है। फैसला अदालत में तब होगा जब केस होगा ना। तुम 1 हफ्ते में ये केस वापस लेने वाले हो? तू करने क्या वाला भरत, धमकी तो बता। पता चलेगा, जल्दी पता चलेगा। फिर मैंने उसी दिन संभाजी नगर पुलिस थाने में भरत दलवी के खिलाफ एनसी लिखवाई। काफी शातिर सोच, पहले धमकी से पीड़ित वाला माहौल बनाओ और फिर वहां वार करो जहां दुश्मन को सबसे ज्यादा दर्द हो। मैं अपने 10 साइट पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को यूं ही छोड़ छाड़ कर उस सरफिरे भरत दलवी की बेटी और उसके दोस्त रवि शिंदे का ब्रेन वॉश करूंगा। देखिए, मैं उन दोनों बच्चों के टच में कभी नहीं रहा। अब उस लड़के रवि शिंदे ने मुझे क्यों कॉल किया, क्या बात हुई, यकीन मानिए मुझे इस कॉल के बारे में कुछ भी याद नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। रवि ने तुम्हें ही फोन क्यों किया ये मैं कैसे बता सकता हूं सर?
क्या मेरी रवि से पहले कभी कोई बात हुई? आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए और मेहरबानी करके बिना सबूत मेरा नाम इस केस में मत जोड़िए। ये क्या लगा रखा है इन्होंने, हर जगह छापा, सब कुछ यहाँ वहां कर रहे हैं। हमारे सारे दोस्त रिश्तेदार मुझे कॉल कर रहे हैं। इन्हें जो ढूंढना है ढूंढ लेता हूँ, जो करना है करने था, देखते हैं क्या मिलता है, क्या ढूंढ पाते हैं। सर विक्रम वर्तक के सारे फार्म हाउसेस खंगाले, कंस्ट्रक्शन साइट्स भी, रवि और साधना का कहीं साया भी नजर नहीं आया। फिर दोनों बच्चे गायब कहाँ हुए? सर क्या ये दोनों मिसिंग केसेस वाकई में आपस में कनेक्टेड हैं? सर हो सकता है रवि और साधना एक साथ गायब भी ना हुए हो। फैक्ट तो ये है कि दोनों बच्चे मिसिंग हैं, दोनों एक दूसरे को जानते थे, शायद प्यार भी था। सर सभी किडनैपिंग गैंग्स पे आदमी लगा दिए गए हैं, सोलापुर के इन इलाकों में एक भी गैंग की कोई मूवमेंट नजर नहीं आई है। किडनैपिंग हुई होती तो फिरौती का कॉल भी आना चाहिए था। दोनों परिवार तगड़ी पार्टी थे, शिंदे का सीमेंट ट्रेडिंग का काम है और भरत दलवी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस। वैसे भरत दलवी के घर पे लूट भी हुई थी लेकिन किसी ने एक भी आवाज नहीं सुनी, तो थोड़ी अटपटी बात है। कुछ और भी अटपटा है जो मुझे खटक रहा है। रवि और साधना के बीच 7 नवंबर को फोन पर कोई बात नहीं हुई जब रवि गायब। साधना के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 से 9 नवंबर के बीच साधना के फोन से ना ही कोई कॉल किया गया है और ना ही कोई रिसीव हुआ। ऊपर सर 8 नवंबर को साधना स्कूल गई और ना ही ट्यूशन क्लासेस, फिर क्यों नहीं गई? सर रवि और साधना छोटे बच्चे भी नहीं है, टीनेजर्स हैं, जानते होंगे कि एक साथ भागेंगे तो पता चल जाएगा, पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट तो करेंगे ही और सीधे सीधे कनेक्शन बैठेगा कि दोनों एक ही दिन एक ही साथ गायब हुए थे। तो सर शायद दोनों ने एक साथ बैठकर मिलकर प्लानिंग की हो कि रवि तुम आज गायब हो जाओ, उसके एक दिन बाद मैं गायब हो जाऊंगी। पर इस तरह से भाग जाने का प्लान बनाने की नौबत तब आई होगी जब दोनों फैमिलीज में से कम एक फैमिली में ऑब्जेक्शन होगा। सर इस बारे में मुझे भी डाउट, रवि और साधना में से किसी एक के पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। रवि अपने घर पर झूठ बोलकर निकला कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है। साधना घर पर जब अकेली थी तब उसके घर पर चोरी हुई और उसी दिन साधना गायब हुई। 7 तारीख को रवि और साधना के बीच फोन पर कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ट्यूशन क्लासेस गए। तो क्या 7 नवंबर को ही इन्होंने प्लान बना लिया था जब ये ट्यूशन क्लासेस में मिले, या फिर पहले से प्लानिंग कर रखी थी? क्या हुआ गीता, तुम्हें फिर रवि की आवाज सुनाई थी? ऐसा लगा जैसे वो हम सबको पुकार रहा है। हाँ दादू, तुझे कसम है मेरी, सच बोल, रवि और उस साधना का कुछ था? रवि ने कभी कुछ बताया तुझे? आपकी कसम दादू, रवि मुझे कभी कुछ नहीं बोला, ना मैंने कुछ देखा या सुना, मुझे तो ये सारी बातें झूठी लगती हैं। झूठ तो रवि ने भी बोला जाते वक्त तेरी आई से, क्यों झूठ बोला रवि ने? विठल बाबा कह रहे हैं कि हमारा रवि कहीं फंसा हुआ है, कहीं इस विक्रम वर्तक ने तो उसे कैद करके नहीं रखा ना? कवन, हम कारण भी तो होना चाहिए। विक्रम वर्तक की दुश्मनी उस भरत दलवी से, हमसे थोड़ी ना है। मुझे लगा मैंने साधना को देखा। साधना? कहाँ? वो हम लोग सो रहे थे, उसने दरवाजा खोला।
बाबा। मैं उसके कमरे में गया था देखने। क्या देखा? साधना वहां नहीं थी। मन से मुझे वो वहम होने लगे, चीजें दिखाई देने लगी है, सुनाई देने लगी है। वो वहां नहीं थी मन से। जैसे भी हो आप मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर, जिगर का टुकड़ा है मेरा, मेरी पहली औलाद है। मैंने उसकी हर जिद पूरी की है, उसे बहुत प्यार दिया है और उसने मुझे। वो ऐसे घर छोड़ के नहीं भाग सकती, अपने घर में चोरी नहीं कर सकती सर। भरत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि 8 तारीख को आपकी बेटी साधना न स्कूल गई न ट्यूशन क्लासेस, क्यों? क्योंकि उसे घर पर ही पढ़ना था बस। आई मैं सिर्फ आज नहीं, कल भी घर पे पूरा दिन स्टडी करूंगी। मैथ्स की रिवीजन भी करनी है, सारे क्वेश्चन पेपर्स रेडी रखे, बस धड़ाधड़ उनको सॉल्व करना है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं खटका कि 2 दिन की छुट्टी ली है, पढ़ने में होशियार थी। क्या साधना को पहले से मालूम था कि 9 तारीख को आप लोग सत्संग में जाने वाले हैं? बिल्कुल पता था, 3 दिन से घर में बात चल रही थी। 7 तारीख से सत्संग शुरू हुआ था। 7 तारीख से? हाँ 7 तारीख से। और हम तीनों दिन गए थे, 7, 8 और 9। 8 तारीख को जब आप लोग सत्संग में थे, उस वक्त आपकी बेटी साधना घर पर थी या घर से बाहर? और कहाँ होगी सर, घर पर ही थी। और उस दिन हमारा नौकर नंदू भी घर पर ही था। नहीं मैडम, साधना बेबी 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली। कोई मिलने आया था, दोस्त या सहेली? नहीं, और अगर कोई ऐसा आया भी होता जिसे मैं नहीं जानता, तो मैं तुरंत भरत बाबू या वहिनी को बताता ना। रवि शिंदे के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम था कि शायद वो साधना का बॉयफ्रेंड हो? मालूम होता तो भी? तो भी क्या? तो भी ऐसा मैं क्या करता जो मेरी बेटी, मेरी 15 साल की बेटी, इतना कैश और इतनी ज्वेलरी लेके भाग जाती। और समझिए कि हमने साधना को कुछ कहा भी, उसे ठेस लगी, उसने भागने का प्लान भी बनाया, तो वो 7 तारीख को क्यों नहीं भागी सर, जब रवि शिंदे भागा? या 8 तारीख को क्यों नहीं? शायद दोनों बच्चों ने मिलकर प्लानिंग की हो। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन से ऑपरेट करते हैं, मानो फोन उनके शरीर का कोई अंग हो। और अजीब बात यह है कि 7 से 9 नवंबर के बीच दोनों के बीच कोई कॉल्स नहीं हुए, ना ही मैसेज हुए, जबकि 6 तारीख तक उनकी बातें होती रही हैं, मैसेजेस होते रहे। और 8 तारीख को आपकी बेटी साधना ना कॉलेज गई ना ट्यूशन क्लासेस। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, अगर मेरी बेटी रवि शिंदे के साथ भाग भी गई है तो प्लीज आप उसे वापस ले आइए। मुझे सोते जागते वो दिखाई देती है, लगता है वो किसी मुसीबत में है और मुझसे मदद मांग रही है। मैं सो नहीं पा रहा हूं सर, मुझे विक्रम और तब पे शक है सर। रवि शिंदे और उसके फैमिली के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रवि ने विक्रम को फोन क्यों किया होगा सर? मुझे लगता है ये विक्रम का ही जाल बुना हुआ है। आप उसे इतने आसानी से मत जाने देना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। साहब, रवि शिंदे को ढूंढने का काम चालू है, लेकिन ये साधना दलवी, मेरे नेटवर्क के एक आदमी गोविंद ने फोन किया और बताया कि लड़की पंढरपुर में देखी गई है। कहाँ? अपने महाराष्ट्र के बनारस पंढरपुर में देखी गई है। उधर के एक फूल वाले बब्बन ने देखा, उसकी नजर पड़ी लड़की पे। कब की बात है? यही कल परसों। कल परसों मतलब कब? कल के परसों सर। आज 12 तारीख है और साधना 9 तारीख को गायब हुई थी। सर एग्जैक्ट डेट और टाइम तो नहीं बता पाया, लेकिन उसका कहना है कि उसने पक्का लड़की को देखा है। ज्योति, तुम पंडरपुर निकलने की तैयारी करो, सारे लॉजेस, कोर्ट, मंदिर सब जगह स्कैन करो। ओके सर। इस फूल वाले को ये लड़का नहीं दिखा इस लड़की के साथ? सर फूल वाले को क्या, उस रास्ते में किसी भी दुकान वाले को लड़का नहीं दिखा। पंडरपुर, वहां तो मेरी बड़ी बहन संगीता का पति रहता है, संजय खोटे। नहीं, वो तो वहां नहीं है, वो दूसरे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि शायद अपने मन से भाग गई होगी, तभी उन्होंने फोन भी किया था संजय भाव को। नहीं रे भरत, साधना अभी तक तो यहां नहीं आई। अरे 10 बजने को है, मैं रात भर उसके इंतजार में बैठा रहा, किसी ने दुश्मनी निकाली होगी, वरना अपनी लड़की ऐसे घर से क्यों भागेगी, तू ही सोच ना। इंस्पेक्टर सर, मैं भी चलूंगा आपके साथ मेरी बेटी को ढूंढने।
उसे ढूंढने में जितना खर्च आएगा, जितना लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भरत जी, आप टैक्स भरते, देश के नागरिक हैं, आपको कुछ खर्चा देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को ढूंढना हमारी ड्यूटी है और हम उसे ढूंढ के रहेंगे। हाँ बोला वो। रोहित, किसी ने साधना को पंडरपुर में देखा। क्या? कैसे वो? कब? अरे बाहर में गए कब और कैसे? तुम लोगों ने ठीक से चेक किया था ना कि वो मर गई है? वो बहू, मैंने और मंगेश ने खुद चेक किया था, मर गई थी वो। मंगेश को दोबारा पूछ, कहीं ज्यादा लाड़ में आके उसने साधना को जिंदा तो नहीं छोड़ा है। मैं पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। आप संगीता ताई को बुलाओ, अगर मंगेश ने साधना को जिंदा छोड़ा होगा ना तो मर गए हम सब लोग। आई साहब, ये साहब बप्पन फूल वाला। इस लड़की को देखा था तुमने? हाँ साहब, तभी तो मैं गोविंद से बोला। चल, तेरे से बात करनी। ये लड़की फूल लेने आई थी तुम्हारी दुकान पर? नहीं मैडम, मैं अपनी साइकिल जिस दुकान के पास खड़ी करता हूँ, ये लड़की उस जगह पे खड़ी थी। थोड़ा आगे खड़े हो जाओ ना, यहाँ पर मैं अपनी साइकिल लगाता हूँ। आप यहाँ पे भी मत खड़े रहिए, यहाँ पर मैं अपनी दुकान लगाता हूँ। कोई और भी था इसके साथ? नहीं, अकेली थी। कब देखा था? कल, परसों या दो दिन पहले? मैंने आपको बताया ना मैडम, ठीक से याद नहीं आ रहा है कब देखा था। ये लड़की साधना दलवी 9 नवंबर को अपने घर सोलापुर से गायब हुई थी। आज तारीख है 13। दिमाग पे जोर डाल, याद कर। एक दो दिन पहले देखा था पर ठीक से याद नहीं। मैडम, उस मार्केट के आसपास में 3 मंदिर है, तीनों मंदिर में मैंने साधना और रवि की फोटो को बहुत घुमाया, सोचा दोनों ने शादी वादी कर ली हो और किसी ने उनको देखा हो। लेकिन नहीं मैडम, किसी ने उनको पहचाना नहीं, ना साधना को ना रवि को। सब उस मार्केट का हर एक कोना छानना पड़ेगा, उस एरिया के सारे लॉजेस, सारे घर, हर एक कोना। तुरंत लगवा देता हूँ बंदों को। इस लड़की का फूफा संजय कोटे, बुलवाए उसे भी, आता ही होगा। बोला रोहित, मंगेश का फोन स्विच ऑफ है बहनी। तो पर ये गया कहां मंगेश? कुड़वाड़ी, हमारे गांव पे। मैंने एक लड़का भेजा उसे देखने के लिए। मंगेश, तूने ठीक से देखा था ना, साधना मर चुकी थी। ओ बहनी, मैंने खुद उसका गला दबाया था। तूने चेक किया था ना, मर चुकी है वो। हाँ मतलब सांस तो रुकी थी। अरे पर मरी थी या नहीं? सांस बंद होने के बाद देखा था, पूरी तरह रुक गई थी सांस। हो वही नहीं, मंगेश ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया था। चल जल्दी चल। गला दबाया, नदी में फेंक दिया, इतना सब होने के बाद कौन कैसे बच सकता है? फिर पंडरपुर में कैसे दिखी वो? रोहित, ऐसा तो नहीं कि जब साधना को नदी में फेंका तो उसमें जान बची हुई थी? नहीं नहीं ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? उस रात मुझे वहम हुआ था, यह साधना सच में जिंदा है और यही कहीं है। रोहित, तू पकड़ मंगेश को और पूछ उससे, ऐसा तो नहीं उससे कोई झूल हो गया। मंगेश ने ऐसा तो नहीं कि लाश पानी में डाली ही नहीं? नहीं ताई, ऐसा कैसे होगा, वो क्यों झूल करेगा? तभी मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ। हाँ, भरत, भरत तू टेंशन मत ले, हाँ चिंता मत कर, और ये तेरी घबराहट तेरे चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। अगर साधना जिंदा है और सामने आकर उसने सब कुछ बता दिया तो? कितने पैसे लिए आपने भरत दलवी से साधना दलवी की मिसिंग केस पर फोकस करने के लिए? जैन जी, आपको इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। और आप किस तरह से पेश आ रहे हो सर? सिर्फ भरत की बेटी गायब नहीं हुई है, हमारा भी बेटा गायब हुआ है, पर आप तो बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हो। जैन जी, साधना को पंडरपुर में देखा गया है।
आप क्यों हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा उस साधना के साथ भाग गया होगा? देखिए, दोनों केसेस में हमें पहला सुराग मिला है। हमारी टीम पंडरपुर में साधना को ढूंढ रही है और हमें यकीन है कि हम साधना को ढूंढ लेंगे। लेकिन आप रवि को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना सर, बस सिर्फ साधना को ही ढूंढ रहे हैं। रवि की अलग से खोजबीन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपको अंदाजा नहीं है, मेरी पत्नी पागल होते जा रही है रवि की फिक्र में। और मेरा कहना था कि रवि अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, कुछ ऐसा कर रहा है या ऐसी जगह जा रहा है जहां खतरा है। कहीं मेरा रवि उस लड़की साधना के साथ तो नहीं भाग गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक आदमी का नाम उभरा है, विक्रम वर्तक। क्या चाहिए आपको? कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, जितने चाहिए ले लो। बस हमें हमारा रवि लौटा दीजिए विक्रम जी। हाथ जोड़ता हूँ आपको। विष्णु जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। मैं भी एक बेटे का बाप हूँ। मेरा बेटा पूना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। अगर वो भी इस तरह गायब हुआ होता तो मेरी भी जान निकल रही होती। तो मेरी जान मुझे वापस लौटा दो। रवि ने क्या बिगाड़ा है आपका? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी दुश्मनी उस भरत दलवी से है ना, तो इस सब में हमारे हमारे रवि का क्या लेना देना? विष्णु जी, मैंने रवि को कुछ नहीं किया है। पुलिस का जब पहली बार फोन आया, मैं तब से खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पोते ने मुझे फोन क्यों किया होगा। सच मानिए, मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या बात हुई थी उससे। मुझे तो लगता है रवि का रॉन्ग नंबर लगा था। अरे ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर लग सकता है? लाखों नंबर है। रवि का रॉन्ग नंबर आपको ही क्यों लगा? विक्रम वर्तक को, जिसकी भरत दलवी से दुश्मनी है। भरत दलवी की बेटी साधना और हमारा रवि दोनों दोस्त हैं और अब दोनों गायब। देखिए, मैं हजार बार बोल चुका हूं, भरत दलवी के साथ मेरे एक जमीन का मसला कोर्ट में चल रहा है। अब किसी को अगवा करके या उसके दिमाग में कुछ भर के कोर्ट का फैसला तो नहीं बदल सकता ना। आप ही बताइए, ऐसा कुछ करके मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा हो सकता है? बल्कि मेरा तो उल्टा नुकसान हो रहा है। ये देखिए, देखिए पेपर की हेडलाइन, क्या साधना दलवी और रवि शिंदे के अगवा होने में वर्तक कंस्ट्रक्शन के मालिक विक्रम वर्तक कहां था? देखिए, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, आस पड़ोस वाले सब हमें ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे, हम पे शक कर रहे। अब किस किस को क्या क्या समझाएं हम? दादू, दादू काय जाल? दादू, पंडरपुर के हर एक लॉज, हर एक मंदिर में पूछताछ की, यहाँ तक कि यहाँ के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस और सेशंस कोर्ट में भी बात की। वैसे हैं तो दोनों माइनर, लेकिन फिर भी चेक किया कि शायद वहाँ गए हों, लेकिन सर वहाँ भी उन्हें किसी ने नहीं देखा है। और जिस मार्केट में वो दिखी थी, उस मार्केट के जिस जिस दुकान में सीसीटीवी कैमरा है, पिछले 2 दिन के फुटेज निकलवा के देखे सर, बट ये साधना और रवि कहीं नहीं दिखे हैं। तो क्या फूल वाले बब्बन ने किसी और लड़की को देखा था और उसे वो साधना समझ में आया? सर मैंने 3-3 बार पूछा बब्बन से, लेकिन वो दावे के साथ यही कह रहा है कि वो लड़की साधना ही थी। साधना का फूफा संजय खोटे क्या कह रहा है? साधना कैसे दिखी किसी को पंडरपुर में? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला बहुत गंभीर है। क्या ऐसा कुछ है जो हमें मालूम होना चाहिए लेकिन अभी तक हमें बताया नहीं गया है? और मैडम, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता और मेरे को पता है? साधना एक बच्ची है और उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पंडरपुर में कर क्या रही थी, और वो अगर यहाँ पे आई थी तो उसने मेरे को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ये 15 साल की लड़की और 16 साल का लड़का क्या करने निकले थे ऐसे? फिर लड़की अचानक दिखती है एक फूल वाले को पंडरपुर में, लेकिन लड़का कभी किसी को नहीं दिखा। साहब, आपको ही मालूम है, भागा हुआ जोड़ा ज्यादा ज्यादा कितने तक छुप सकता है, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। लेकिन इस केस में इस लड़के को कहीं भी किसी ने भी नहीं देखा, मतलब झोल। रवि की फैमिली का कहना है कि रवि ये कहकर घर से निकला कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। साधना की फैमिली का कहना है कि वो लोग तब बाहर थे जब घर पर लूट हुई और साधना गायब हो गई। मुझे दोनों फैमिलीज में झोल लग रहा है। गुरु, दोनों परिवारों की जरा डीप में जाकर हिस्ट्री निकाल। पता चला दोनों परिवारों के कोई ऐसे गड़े मुर्दे हों जिनके हमें अब तक भनक ही ना हो। झूठ, रवि ने आपसे बोला कि वो अपने दोस्तों के पास जा रहा है, या फिर आप हमसे बोल रही हैं रवि के बारे में? अरे काहे फालतू की है, आप मेरी पत्नी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक माँ अपने गायब बेटे के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? शर्म वरम है या नहीं तुम लोगों को, या हमारे पोते की खबर लाने के बजाय उल्टा हम ही पर उंगली उठा रहे हो? रवि को कहीं भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए शक करना तो बनता है कि रवि घर से बाहर निकला भी था या नहीं। हाँ निकला था, 7 तारीख को निकला था,
आणि आज 15 तारीख है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन हिल चुकी है, पर आपकी छानबीन आगे हिल ही नहीं रही है। यहाँ एक परिवार टूट रहा है, एक माँ इतनी मायूस हो गई है कि वो घर के पुजारी से ही चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। हम सभी उसी काली मायूसी की छाया में फंसे जा रहे हैं और आप घुटन हटाने के बजाय और बढ़ा रहे हैं, क्यों? अब आप मुझ पर शक कर रही है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया है? विठल जी, किसी ने तो कुछ किया है तभी कुछ हुआ है। क्या शिंदे परिवार को अपने बेटे रवि से कोई शिकायत थी या रवि को अपने परिवार से कोई शिकायत हो? शायद गर्मा गर्मी में घर के अंदर ही कुछ हुआ हो। शायद शिंदे परिवार ने अपने बेटे रवि को खुद ही शिंदे परिवार ने खुद ही रवि को गायब कर दिया। नहीं 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 नहीं, किसी षड्यंत्र रचने वाले की आंखों में इतना दर्द कैसे हो सकता है जैसा रवि की माँ की आंखों में होता है जब वो यहाँ गुहार लगाती है। ये बात मेरे समझ के बाहर है कि आप लोग उन पर कैसे शक कर सकते हैं। सीधा सीधा पूछिए ना सर कि कहीं हमने हमारे लाडले रवि को तो नहीं मार दिया, बस यही सुनना रह गया था ना सर। मनीष, मर्डर बहुत बड़ा कदम होता है, वो भी अपने घर के चिराग का, कोई तो तगड़ा कारण होना चाहिए। पागल पागल हो गए आप लोग। जी ये बात सच है कि मेरी माँ 2 नवंबर को चल बसी। भरत दलवी और मानसी दलवी 9 तारीख को आपसे मिलने आए थे? बिल्कुल आए थे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। भरत जैसा प्यार करने वाला बाप कोई और नहीं मिलेगा। साधना उसकी सबसे बड़ी बच्ची है, पहली औलाद, बड़ा लगाव है उसे साधना से, इसीलिए तो साधना को वो अपनी बहन संगीता के घर से वापस लाया था। वापस लाया मतलब? मतलब अपनी दूसरी शादी के बाद। मतलब ये मानसी दलवी भरत की दूसरी बीवी है? मानसी साधना की माँ नहीं है? माँ ही है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। वो तो गायत्री थी जो 7 साल पहले गुजर गई, और फिर भरत ने मानसी से 3 साल पहले शादी कर ली। संभालो अपने आप को भरत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अगर तुम टूट जाओगे तो सच कह रही हूँ, मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी अपने आप को। ये कहां से कहां पहुंच रहा है मानसी? कहीं भी पहुंच रहा हो, पर अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना है। लेकिन मानसी, क्या साधना जिंदा है? प्लीज भरत, अभी इसके बारे में मत सोचो तुम, अभी हमें पुलिस का सामना करना है। जी हाँ, ये सच है कि मैंने साधना को जन्म नहीं दिया। और ना ही कुसुम और राहुल आपके खुद के बच्चे हैं, ना ही आपके साथ रहते हैं। भरत जी की बड़ी बहन संगीता जी के साथ रहते हैं। जी हाँ, ये भी सच है। क्यों? क्यों क्या? ये अरेंजमेंट क्यों भरत जी? आपके बच्चे आपकी बहन के यहाँ क्यों भेजे गए? क्योंकि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद ये पूरी तरह से टूट चुके थे, खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, बच्चों को कैसे संभालते, बस इसीलिए संगीता ताई तीनों बच्चों को अपने साथ ले गई, और शादी के बाद हम सबसे पहले साधना को घर लेकर आए। भरत जी, आपकी माली हालत काफी अच्छी है, तो सिर्फ साधना ही क्यों, बाकी के दोनों बच्चों को साथ क्यों नहीं लाया गया? एक मिनट, ये हमारा निजी मामला है सर। किसी के निजी मामलों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती है मानसी जी, लेकिन केस हल करने के लिए हमारे लिए कुछ भी निजी नहीं होता है। भरत जी, मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ साधना ही क्यों, बाकी के दोनों बच्चे साथ क्यों नहीं लाए? इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ा, साधना पे फर्क पड़ा भरत जी, सिर्फ साधना को आपकी बहन के घर से लाया गया और अब साधना गायब है। आप इस तरह से किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर? साधना मेरी बड़ी बेटी है, यह जरूरी था कि साधना मानसी के साथ घुले मिले, अच्छे रिश्ते बने दोनों के बीच। घुले मिले, अच्छे रिश्ते बने, क्या मतलब है आपका सर? मेरे ही कहने पर, मेरे ही जोर देने पर भरत साधना को घर लेकर आए, और मैं शादी से पहले इन तीनों बच्चों के बारे में जानती थी, और शादी से पहले ही मैं इन तीनों बच्चों को अपना मान चुकी थी। तो बाकी के दोनों बच्चों को घर क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि हम बच्चों को वक्त देना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि बच्चों को ऐसा लगे कि अचानक से उनकी माँ की जगह किसी और ने ले ली है। साधना बड़ी थी, इसीलिए हम सबसे पहले उसे अपने साथ लेकर आए। अगर साधना मुझे अपनी माँ मान लेती तो बाकी बच्चों को आसानी होती मुझे अपनी माँ मानने के लिए। तो क्या साधना ने आपको अपनी माँ माना? जी हाँ बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूँ भरत जी, क्या साधना ने अपनी सौतेली माँ को माँ स्वीकार किया? हद है सर, अब हद है। आप हमारी निजी जिंदगी की बाल की खाल कर रहे हैं और इसे साधना के केस के साथ जोड़ रहे हैं। साधना ने कबूल कर लिया था मानसी, माँ कहती थी उसे। सुना आपने, तसल्ली हो गई आपको?
अब आप हमारी निजी जिंदगी के सवाल पूछने में, हम पर शक करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और साधना को ढूंढने में अपना वक्त लगाइए। क्या कर रहे थे तुम भरत? सांप सूं गया था तुम्हें, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे वहां पर। साफ साफ दिख रहा था कि तुम टूट रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा, भगवान के लिए हिम्मत जुटाओ भरत, समझे? मानसी, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि साधना जिंदा है। एक बात याद रखना भरत, साधना के कत्ल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो सच में मरी है तो आई थिंक घर में ही कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन किसके घर में? रवि के साधना के? 9 तारीख को भरत दलवी के घर में हुई वारदात के बारे में मैंने जितना पता किया और भरत दलवी और उसकी वाइफ मानसी ने जो बयान दिया, वो दोनों मैच तो हो रहे हैं। सर, ये भरत और मानसी शायद ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ जो सच लगे। तो क्या रवि की फैमिली भी झूठ बोल रही है? उसके बचपन के 4 दोस्त वो भी झूठ बोल रहे हैं। अगर रवि और साधना का केस रोमियो और जूलियट टाइप का है, दोनों में बराबर का प्यार है, दोनों के परिवारों में बराबर का विरोध है, तो कुछ तो सुराग दिखने चाहिए थे बच्चों की बगावत के। बतौर सुराग हमारे पास एक फोन कॉल है उस बिल्डर विक्रम वर्तक को, पर इतना बिल्कुल काफी नहीं है। तो फिर दोनों हवा कैसे हो गए सोलापुर से? और सिर्फ साधना पंडरपुर के फूल वाले को दिखी और किसी को नहीं दिखी। क्या घुमावदार खबर लेके आया गुरु खबरी? काफी घुमावदार है सर। बोल। पंडरपुर से रिटर्न टिकट, आपकी साधना यहाँ सोलापुर में दिखी है। क्या, कब दिखी, किसने देखा? देख गुरु, अब ये मत कह देना कि देखने वाले को याद ही नहीं है कि उसने कब देखा था। सॉरी मैडम, इस बंदे को भी ठीक से याद नहीं कि उसने कब देखा, लेकिन हाँ देखा जरूर है। कौन है वो? यही संभाजी कॉलोनी के पास एक पान वाला है। मैंने तेरे लड़के को बताया था कि ये लड़की मेरे को इधर दिखी थी। और देखने कितने दिन बाद बोला तूने? जब भी उसने पूछा तभी बताया, मैं थोड़ी पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को क्या मालूम ये लड़की गायब हो गई है। अच्छा, देखा कब था? दिन मालूम नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम वो ऐसे मेरे सामने से ऐसे फास फास निकल के चली गई। ये साधना दिखती है पंडरपुर में और यहाँ सोलापुर में, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। सर, शायद ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो, सिवाय इसके कि रवि और साधना एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों की फोन पे बात होती थी। सर, मुझे लगता है कि हम अपने पुराने केसेस के अनुभवों के अनुसार इन दोनों केसेस को भी लव स्टोरी के धागे से बांध रहे हैं। साहब सोचिए, ये लड़की दिखी पंडरपुर में जहाँ उसके फूफा रहते हैं संजय खोटे, और यहाँ सोलापुर में उसकी पूरी फैमिली रहती है खुद की। तेरा मुद्दा क्या है गुरु? मुद्दा ये है साहब कि सोलापुर में संभाजी कॉलोनी में साधना की बुआ रहती है संगीता खोटे, जिनके साथ साधना के दोनों छोटे भाई बहन कुसुम और राहुल रहते हैं। हो ना हो, इस दलवी और खोटे परिवार के बीच में कुछ तो खोटा चल रहा है। साधना, मैंने साधना को फिर से देखा। क्या? हाँ, वो वहाँ अकेली खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। भरत, साधना को किसी ने संभाजी कॉलोनी के बाहर देखा है। पुलिस संगीता ताई के घर तलाशी ले रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछूं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रही है आप? ये कुसुम के कपड़े हैं। आपको क्या लग रहा है मैंने साधना को यहाँ पर छिपा के रखा हुआ है और मेरा भाई वहाँ झूठी कहानियां बुन रहा है, साधना के गायब होने का दावा कर रहा है। संगीता जी, साधना आपके घर के काफी करीब देखी गई है। तो कहाँ है वो? आपको क्या लगता है कि हम शामिल हैं साधना के गायब होने में? बेटा कुसुम, राहुल, आपकी साधना ताई आई थी? नहीं नहीं सर। गणेश, अगर साधना यहाँ आई होती तो हम आपको सबसे पहले फोन कर देते ना। आप
आपको क्या लग रहा है कि मैंने इन मासूम बच्चों को झूठ बोलने की पट्टी पढ़ाई है? जबकि साधना और रवि शिंदे को पट्टी पढ़ाने वाला वो विक्रम वर्तक बाहर खुला घूम रहा है, उसका तो बाल भी बाका नहीं कर पाया। उसके बाल को छूने की जरूरत भी नहीं संगीता जी, वो इस केस में शामिल नहीं है, ये बात पक्की है। संगीता जी, साधना की सौतेली मां मानसी क्या उसे परेशान करती थी? अब आप लोग मनगढ़ंत कहानियां बुन रहे हैं। बेटा कुसुम, राहुल, आप लोग याद करो हाँ, और बिना डरे बेझिझक बताओ, आपकी साधना ताई ने आप दोनों को कभी भी ऐसा कुछ बताया है कि उस घर में उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था? नहीं मैम। साधना अगवा हो गई है, उसकी जान को और उसकी इज्जत को खतरा है, और आप यहाँ इन बच्चों से बात करके अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। अरे अब क्या बॉडी को पानी से बाहर निकाल के चेक करूं, ऐलान करूं लाश मरी हुई है जिंदा नहीं है? मंगेश तुझे अभी मजाक सूझ रहा है हाँ? वहां पे भरत भाऊ को साधना दिखने लगी है, स्क्रू ढीला हो गया उनका। अरे भाऊ, जब मैं उसकी लाश को उठा के ले जा रहा था ना, तो मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी, उसकी कोई हलचल भी नहीं हुई, मानो किसी भारी पत्थर को उठा के ले जा रहा हूं मैं। बिल्कुल जान ही नहीं बची थी भाऊ उसमें। पर वो मर चुकी थी ना? कितनी बार कह चुका हूं, वो पूरी तरह मर चुकी थी। जब मैंने उसकी लाश को पानी में फेंका ना, तो एकदम नीचे गई पत्थर की जैसे, बिल्कुल फड़फड़ाई भी नहीं वो। जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है भाऊ, मानो अगर गला दबाने के बाद भी वो जिंदा होती या फिर बेहोश होती तो पानी में डूब के मरी गई होगी ना वो। फिर मुझे क्यों दिखाई देती है वो? वहम है आपका, वहम हो रहा है भाऊ आपको। वही तो मैं भी कह रही हूँ, वहम है आपका। और अगर यहाँ संभाजी कॉलोनी में अगर किसी ने उसे देखा होगा ना, तो पहले कभी देखा होगा। साधना का संगीता बुआ के घर जाना कई बार होता था। और संजय भाऊ साधना को पंडरपुर में कहीं बाहर लेके गए होंगे 8 तारीख को, उसी टाइम किसी ने देखा होगा। आपने पूछा संजय भाऊ से? आखिरकार तुमने मुझे फोन तो किया संगीता, लेकिन तुमने मुझे अब तक ये नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। संजय, जो हो चुका सो हो चुका, और जो हुआ है वो, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया है उसका क्या? तुम्हारे साथ साथ तुम दोनों ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। जानती हो पुलिस अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है। कैसे तो भी संभाला है मैंने पुलिस को अब तक। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा सच किसी के सामने नहीं आने वाला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। साधना को किसी ने पंडरपुर मार्केट में देखा है। तुम 8 तारीख को उसको बाहर लेकर गए थे क्या अपने साथ, या 8 तारीख के बाद देखा होगा किसी ने उसे? हाँ, मैं 8 तारीख को उसको अपने साथ लेके गया था। मार्केट में एक वेंडर से मेरे को काम था, मैंने साधना को एक जगह पे रुकने के लिए बोला था मार्केट में। साधना तू इधर 10 मिनट रुक, मैं ये तो आता। हाँ इधर रुक। बड़ा डाल कि जिसने भी देखा सिर्फ साधना को देखा, मुझे नहीं देखा। शुक्र है, मतलब भरत को वो जो साधना की आवाजें सुनाई दे रही हैं और जो दिखाई दे रही है वो फिर उसका वहम ही है। और ये वहम ऊपर से नहीं टपकता संगीता, अंदर से आता है। जब इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, उसे अपने अपराध की घिन आने लगती है। और ये अपराध की घिन है ना संगीता, वो जिंदगी भर भरत की छाती पर भूत बनकर रहेगा, तुम्हारी छाती पर भी और मेरी छाती पर भी। विष्णु जी, जयंत जी, आप लोग सही कह रहे हैं। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है यह साबित करने के लिए कि आपके रवि का मिसिंग केस साधना दलवी मिसिंग केस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अरे तो फिर आप हमारे रवि को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? उधर विक्रम वर्तक बार बार मुझसे यही कह रहा है कि उसका इन दोनों केस से कोई लेना देना नहीं है। शायद वो सही कह रहा है, शायद भरत दलवी और उसकी पत्नी मानसी दलवी का इसमें हाथ है, और ये दोनों विक्रम वर्तक को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो भरत दलवी को उठाओ, हाथ पर तोड़ डालो उसके, हलक में उंगली डालकर सच उगलवाओ। यहाँ बैठे रहने से क्या होने वाला है? बिल्कुल भी बैठे हुए नहीं है विष्णु जी, हमारे लोग भरत और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं, सही वक्त आने पर सही कदम उठाया जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, हमारे लिए आपके रवि का केस और साधना दलवी केस दोनों बराबर है, और दोनों को ढूंढा जाएगा। आप क्या हुआ, काम पे नहीं आया? नहीं, और फोन भी बंद करके बैठा है मूर्ख। रोहित,
तो उसके घर जल्दी जा। नंदू, 9 तारीख को तेरे मालिक भरत दलवी के घर कोई चोरी नहीं हुई थी। नहीं साहब, मैं जब बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी भी घर पे नहीं थी। अबे वो तोताराम, हमें वो नहीं सुनना जो तुझे सिखाया गया बोलने के लिए, हमें वो सुनना जो सच में हुआ था। 6 साल से वफादार नौकर रहा है ना तू नंदू? तेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं, ना 15 साल की साधना के साथ, ना 16 साल के रवि शिंदे के साथ, इसलिए जो भी सच है फटाफट बोल दे। 7 तारीख को रवि शिंदे तेरे मालिक भरत दलवी के घर आया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी गंदी नजर पड़ गई थी साधना पर? अरे नहीं नहीं साहब, क्या क्या बोल रहे हो आप, मेरे लिए तो वो बहन साहबान है। नंदू तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा फंसने वाला है तू। मैडम मैं क्यों फंसूंगा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ तूने तो सिर्फ झूठ बोला के चोरी हुई है। चल कोई नहीं, अब सच बोलते, 7 तारीख को क्या हुआ था ये बोल, और 9 तारीख की असलियत बोल। साहब मैं उतना ही बोल पाऊंगा जो हुआ था मेरे सामने, और मैं वो बोल चुका हूँ साहब। साहब मैं किसी रवि शिंदे को नहीं जानता, जब मैं बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। क्या तेरे मालिक भरत दलवी ने साधना और रवि शिंदे को कहीं छुपा कर रखा है या फिर मार डाला? सच बोल नंदू, सच क्या है? ये विक्रम मर्तक वाली बात जानबूझकर उछाली थी ना भरत ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। ये तो तू सोच मत कि तू रोध होकर आराम से निकल जाएगा, सब कुछ तेरे ही सर आएगा और फांसी भी तुझे ही होगी। अरे मैडम मैं क्यों फंसूंगा, और मुझे क्यों फांसी होगी, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर करने वाले का नाम बोल, कौन? साधना की सौतेली मां मानसी? मानसी वही नहीं, तो एक सेकंड के लिए भी सौतेली नहीं रही। कितने नोट ठूसे गए तेरे मुंह में जो इतना बड़ा झूठ तू इतनी आसानी से बोलता आ रहा है? देख नंदू, हम जानते हैं कि साधना घर से भागी नहीं थी, उसे जबरदस्ती में छुपा के रखा गया, और हम ये भी जानते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, इसलिए जो भी सच है बोल दो नंदू। साहब हुई थी चोरी, क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ और हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तुझे से मालूम है उसका नाम बोल नंदू। किसका नाम बोलूं मैडम जी, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब घर पर पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना में भी घर पर नहीं थी, यही हुआ साहब। वहीं नंदू को पुलिस ने उठा लिया। देवा ताई, मैंने मंगेश को रखा है उसके घर के सामने। आहो, नंदू को पुलिस उठा कर ले गई। तब कुछ रोक दिया उसने? हाँ? सब खत्म। मत बोलो ऐसा कुछ, जो सोचेंगे वही होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। बहुत मार रही क्या उसे? पता नहीं, अभी तो वही है वो, सब अच्छा होगा। गुरु इस नंदू पर से एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। समझा साहब, साय की तरह पीछे रहूंगा 24 घंटे। दोनों संभालो अपने आप को, नंदू अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। क्या ये करना जरूरी था? हाँ? ये करना जरूरी था? तू मुझसे पूछ रहा है? ये सब करना जरूरी था या नहीं? तू अपने आप से पूछ। भूल गया? क्या महसूस कर रहा था उस वक्त? हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था। बस शांत रहे और संभाल अपने आप को। साहब कुछ गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़। देख गुरु, अभी मत बोलना कि नंदू भाग गया। साहब भागा है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन कल पुलिस स्टेशन से निकला है घर के लिए, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं, और आज सुबह भरत दलवी के घर पे भी नहीं गया काम पे। तो फिर कहाँ गया? नंदू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, भागने का तो चांस ही नहीं है। मेरे को लगता है कि भरत दलवी और उसकी फैमिली पूरे कांड के पीछे। नंदू तो कल काम पर नहीं आया था और आज भी नहीं आया। कल शाम से तो हम भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम तक तो नंदू हमारे पास था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंदू कहाँ है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सब आपका क्या करा है? अभी ये हम पर डाल रहे हैं, यहाँ हम इस सोच में है कि कहीं ये सारा कांड नंदू का तो किया कराया नहीं है। सुन भरत, पुलिस आएगी तहकीकात करने, तुझसे सवाल पूछने, यही वक्त है सारा इल्जाम नंदू के ऊपर डाल देना। बोल क्या कहेगा पुलिस को? बोल दूंगा कुछ भी। काहे बोलते तुम्हें? ताई मुझे पुलिस से ज्यादा इनसे डर है, कब टूट जाएंगे, कब सारा कुछ कबूल कर लेंगे, कुछ भरोसा नहीं इनका। और कितना ताई, और कितना,
अब सुकून मिलेगा तुझे। ये मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। तू क्या करना चाहता है? पुलिस को सच बताना चाहता है? जा, बता दे। नंदू ने जुर्म कबूल किया? बोला क्या उसने कुछ? नंदू को हमने एक नया नाम दिया है, तोता, पोपट। और तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। पर नंदू तोतों से अलग एक इंसान भी, जिसका दिल है, दिमाग है, एन मौके पर कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब नंदू बोलने के लिए है नहीं, गायब है। नंदू कहाँ है मानसी जी? अब नंदू का गायब होना भी हमारे सर डाल रहे हो? यहाँ बेटी बेटी का गम है, उसकी फिक्र है, और आप ये कह रहे हो कि नंदू का हमने कुछ कर दिया? सर, हम ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस संभालते हैं, हमें घर की खबर कैसे हो सकती सर? आपने नंदू से पूछताछ की, वो गायब हो गया, अब आप हमारी पूछताछ कर रहे हैं। सर, पूरा ऑफिस छान मारा, नंदू का ही नहीं। मैम, वो यहाँ था ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो फिर कहाँ है उसका ठिकाना, कहाँ छुपाया उसे? हम क्यों छुपाएंगे नंदू को? मतलब डायरेक्ट मर्डर, मार डाला नंदू को। मैम, हम क्या ऐसे दिखते हैं क्या? सर, हमें ऐसा कुछ करना होता तो यहाँ पे गधा मजदूरी क्यों करते? लाखों की सुपारी उठाते, पंटरगिरी करते, भाई बनते। हमें तो ये तक नहीं पता है कि आपने नंदू को क्यों उठाया। मुझे ऐसा लगता है ये सब करने में नंदू का हाथ है, क्योंकि साधना गायब होने का फोन भाव को नंदू ने किया था, और आपने उसे पूछताछ की तो वो सीधा गायब हो गया। जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कुछ बोल रही हूँ, जब तक ये लोगों को नंदू नहीं मिल जाता, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो अब क्या करें? खत्म कर दो नंदू को, और कोई चारा है ही नहीं। मार डालो उसे जल्द से जल्द। संगीता ताई, कुछ मत बोल, जो मैं कह रही हूँ वही कर। मैं हम सबके बारे में सोच रही हूँ भरत, अगर नंदू को जिंदा रख के छिपाई रखा तो हम सबके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसकी ऐसी खाल उधेड़ेगी कि उसका बाप भी सब सच सच बोल देगा, तब हमारी कहानी खत्म। हेलो, मैं रोहित बोलते हैं। मैंने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया मालूम है ना? क्यों रोहित? क्योंकि पुलिस की नजर में आ चुके हैं। मेरे ऊपर, मंगेश के ऊपर पुलिस की नजर है, शायद उन्होंने हमारा मोबाइल फोन टैप किया हो। इसलिए रोहित, अभी कभी नंदू को मारकर कहीं दफना दो। कैसे भाऊ कैसे? बाहर कौन पुलिस का बंदा है, कौन नहीं है, यही नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन उनके बंदे आसपास जरूर है। भाऊ भाऊ मेरी बात मानो, अभी कुछ करने में बहुत खतरा है। सबसे बड़ा खतरा नंदू को जिंदा रखने में है, वही सबसे बड़ा खतरा है। भाऊ मेरी बात मानिए, एक दो दिन जाने दीजिए प्लीज। और अगर उससे पहले पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो हम लोग तो गए काम से। पर भाऊ, नंदू जब थाने से निकला था तब मंगेश उसे मिला था, उसी समय आप बताते ना तो उसी के उसी टाइम उसे मार देते। अब लेट हो चुका है भाऊ। लेट बिट कुछ नहीं, कुछ कर रोहित, कुछ कर। चलिए चलिए, डरिए नहीं पंडित जी, जो हुआ वैसे का वैसे सच सच बता दीजिए। भरत जी के यहाँ कल पूजा थी साहब, इसीलिए मुझे बुलाया था वहाँ। क्यों? भरत जी शांति चाहते हैं ना साहब, इसलिए शांति हवन रखा था। हवन क्यों? मैंने पूछा भी कि तकलीफ क्या है, उसके अनुसार खास पूजा करूंगा। तो क्या बोले? भरत जी को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा खुद बोले। और इन सपनों को दूर करने के लिए भरत दलवी ने अपने घर पर हवन और शांति पूजा करवाई। जी साहब, और मैंने बार बार उनसे पूछा कि किस किस्म के बुरे सपने आते हैं, वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। देखिए पंडित जी, मेरे छोटे भाई को लगता है कि घर में कोई प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा? देखिए, सब कुछ खुलकर विस्तार पूर्वक हमें बताइए, ताकि उसके हिसाब से मैं विधि कर सकूं। ये सब इनके मन का वहम है और कुछ नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए। बस इस घर की शांति के लिए कोई पूजा कोई हवन कर दीजिए, सबसे ज्यादा शांति की जरूरत इनके दिमाग को है। फिर मैंने भी चुपचाप शांति रखते हुए शांति हवन कर दिया साहब। साहब, ये प्रेतात्मा वेतात्मा सब बकवास है, ये जो वहम हो रहा ना भरत दलवी को, उसे अपने किए का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, डर रहा है वो। सर, दोनों पति पत्नी को तोड़ते, सब उगल दें। शायद ना उगले, काफी घंटे की खाल वाली फैमिली लगती है, इतने दिन तक ढोंग करते रहे, हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा। अब एक बात तो तय, साधना दलवी और रवि शिंदे, इन दोनों के केसेस जुड़े हुए। जो लोग इतने शातिर तरीके से इतने दिनों तक बातें छुपा सकते हैं, वो 7 और 9 तारीख के बीच में प्लानिंग भी खूब कर सकते हैं। हाँ जावेद बोल। गुरु भाई, ये रोहित दलवी तो बड़ा सियाना निकला, मेरे को टोपी बना दिया। बात क्या है ये बता। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकला, उसके पीछे पीछे मैं निकला। उसको शायद पहले से पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ,
गेम खेल गया साला। साला ढाबे में घुसा, उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। उसका गाड़ी भी यही पड़ा है, पक्का पीछे से भाग गया होगा। मेरे को लगता है ये वही गया होगा जहाँ उन्होंने नंदू को छुपा के रखा होगा। मेरे को लगता है ये दलवी परिवार ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया होगा और शायद रवि शिंदे के साथ भी। ये नंदू जानता होगा इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। उठा लो भरत दलवी, उसकी पत्नी मानसी दलवी और बहन संगीता को भी, और मंगेश को भी घसीटो। अब हमारे एक नौकर कहाँ है, उसके लिए भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है सर, ये नहीं चलेगा। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या बात कर रहे आप? रोहित बहु, मुझे यहां से भाग जाने दो। आई शपथ में वापस कभी नहीं लौटूंगा। इसलिए तो मैं आया हूं तुझे दूर भेजने, जहां से तू कभी वापस नहीं आएगा। रोहित बहु, आप मुझे मारने आए हो? अंडो तुझे मरना ही होगा। रोहित बहु, अंडो जबरदस्ती जो हमसे बुलवाना चाहते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे। नंदू तो आपके हाथ में था, आपकी नाक के नीचे, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहां है? मैं बताता हूं नंदू कहां है। वो वही है ना जहां रोहित गया है नंदू का कत्ल करने। भरत, एक और कत्ल मतलब एक और प्रेत आत्मा सताएगी, इतना बोझ झेल नहीं पाओगे भरत। इसलिए कह रहा हूं फटाफट बता दो नंदू कहां है, रोहित कहां गया है उसका कत्ल कर। और एक बात याद रखो तुम तीनों, इस बार कोई हवन या फिर शांति पूजा नहीं होगी, इस बार सिर्फ लाठी पूजा होगी तुम तीनों की। मारो मुझे, मारो जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं तुम्हें क्या बोल पाऊंगा। तुझे पता है मंगेश, तुझे सब पता है। साहब, नंदू की खबर आई है, सूर्य साहब का फोन है। हाँ सर, बोलो पता चला नंदू का? हाँ यही सोलापुर के बाहर खेतों के पास मिला, रोहित उसे चूरे से मारने के लिए भाग रहा था। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने नंदू को बचा लिया लेकिन रोहित भाग निकला। लगता है अब रवि और साधना की कहानी का पूरा खुलासा होगा। हम नंदू को छुएंगे तक नहीं, नंदू हमें सब कुछ अपने आप बताने के लिए तैयार हो गया। पर वो तैयार तब हुआ जब रोहित ने उस पर अटैक किया और वो समझ गया कि रोहित उसका कत्ल करना चाहता है आप लोगों के कहने पर। आई, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट कर आना। रवि शिंदे और साधना दलवी ने भरत दलवी के घर मिलने का प्लान कब बनाया ये कोई नहीं जानता और शायद कभी कोई नहीं जानेगा। पर इतना पक्का था कि दोनों 7 नवंबर को भरत दलवी के घर पर मिले जरूर थे। साधना को पता था कि उस दिन शाम 6:30 बजे के पहले उसके मां बाप घर नहीं लौटने वाले। साधना और रवि ने शायद मिलके कोई प्लान बनाया होगा पर दुर्भाग्यवश जो हुआ वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, दरवाजा खोलो। साधना बेबी को इस तरह बिस्तर पर देखा उस लड़के के साथ, मालिक को बताना तो मेरा फर्ज था। क्या बक रहा है नंदू,
मैं क्या बोलूं भाऊ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो दोनों अंदर, मतलब बिस्तर पर है। भाऊ भाऊ दरवाजा चाबी से खुल नहीं रहा, अंदर से बंद है। अरे तू सच बोल रहा है ना? हाँ भाई। नहीं माफी मांग रही है अब। भाऊ वो बेहोश है। कौन है ये? कोई रवि है, बोल रही है उसके ट्यूशन क्लास में पढ़ता है। उसे यहां से लेके जाओ, किसी रास्ते पे फेंक दो, मेरी नजर के सामने से उसे हटा दो। तेरी नजर के सामने से हटाने से जरूरी नहीं कि जमाने की नजर से भी हट जाएगा। जब उसे होश आएगा ना तो वो अपना मुंह खोल सकता है, ढिंढोरा पीट सकता है भरत दलवी की बेटी के साथ सोया था उसी के घर में। साधना बोल रही है ऐसा कुछ नहीं उनके बीच में। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। दो थप्पड़ लगाए तब जाकर बोली वो, पहल उसी की तरफ से हुई है ताई, क्योंकि ये लड़का उसे पसंद था, तो उसका मन कर रहा था तब उससे बुलाया इस लड़के को, ये सब गंदा काम। फिर तो और भी खतरा है हमें उस लड़के से, वो तो हम सबको बदनाम करेगा, साधना को, तुम्हें, हमें, और बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भरत? तो मैं क्या करूं ताई, मैं क्या करूं? तो लड़की बेशरम, वो लड़का बेशरम, दोनों ने मिलके ये क्या कर दिया? लड़का बोलेगा, ये लड़का बाहर जाकर सारी दुनिया में बोलेगा। नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो कहती हूं फोन तुमने मिलाया? तुम बताओ कौन बोल रहे हो? एक अर्जेंट काम था आपसे। इधर भी साइन कर। जी सर। अपना नाम तो बताओ। अरे कौन है, क्या काम है? हाँ नंबर तो सही लगाया ना? हाँ 4490233112। हाँ नंबर तो बराबर है, किसी से गलत नंबर लिया होगा। लेकिन आपका नाम तो बताओ। ए चल फोन रख, दिमाग मत चट। 15 साल की बेटी थी मेरी, सिर्फ 15 साल, और ऐसे बिस्तर पर, सारे कपड़े जमीन पर, देखते ही देखते ही सुन पड़ गया था मैं। वो लड़का हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर सकता था सर। पहले खानदान की इज्जत वगैरह वगैरह के नाम पर रवि शिंदे को मार डाला, फिर सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, और रवि शिंदे के फोन से विक्रम वर्ता को फोन लगाकर उसको फंसाया। तुम लोग कोई पीड़ित नहीं हो, तुम लोगों ने गुस्से में या हड़बड़ाहट में आकर मर्डर नहीं किए, बल्कि बहुत सोच समझ कर मर्डर किए। तुम लोग शातिर मुजरिम हो, बेरहम और बेहद चालाक। चल बस रोक कर, बस बस।
हमने साधना को बताया नहीं था कि हमने रवि को मार दिया है। उसका फोन छीनकर उसे पंडरपुर भेज दिया, मेरे जीजा जी के पास। संगीता खोटे, क्या तुम्हारा पति संजय खोटे भी इस प्लान में शामिल है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता था कि हम रवि को मार चुके हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि हम साधना को मारने वाले हैं। साधना को किसने और कैसे मारा? संगीता, वो बहुत जिद कर रही थी। सोलापुर आना है, रवि से मिलना है। अरे साधना, कब से रवि के नाम का जाप जप रही है? सोलापुर आना चाहती, कब से एक ही रट लगाई है, रवि रवि रवि। एक बार बात करा दो उसकी रवि के साथ। ये भरत देखो, बच्ची है, बच्चे जीत तो करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, मैं भेजता हूँ रोहित और मंगेश को उधर उसे लाने। उसे बोलना हम रवि से मिलवा देंगे उसे। भाऊ उस रवि की मिसिंग कंप्लीट फाइल हो चुकी है। वो तो हमारा लग बहुत अच्छा है भाऊ, अब तक उन लोगों ने कुछ कनेक्शन नहीं जोड़ा है साधना के साथ। और तू ये अपने जीजा जी से क्या बात कर रहा था कि साधना को यहाँ सोलापुर लेकर आएंगे? वो खतरा हो सकती है हम सबके लिए। लेकिन वो वहाँ बहुत हंगामा कर रही है, उसे वापस आना है। अरे यहाँ आकर भी तो हंगामा ही करेगी, जब उसको ये पता चलेगा कि उसके अपने बाप ने उसके प्यार का कत्ल कर दिया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ ताई? नहीं, नहीं। मेरी बेटी है वो, खून है मेरा। अरे कुसुम और राहुल भी तो तेरा ही खून है, तेरे बच्चे हैं ना, उनके बारे में कुछ सोच भरत। और जब साधना वापस आएगी ना तो वो जरूर अपना मुंह खोलेगी और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सबको फांसी भी लग जाए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए। कत्ल को गलती कह रहे हो? दो दो बच्चों के कत्ल को, और गलती का एहसास कैसे जता रहे हो? एक शादिर साजिश रचकर घर में चोरी का ड्रामा करना, विक्रम वर्तक को फंसाना, नंदू को मारने की कोशिश करना, ये किस एंगल से पछतावा है भरत तलवी? गुस्सा था तो दो थप्पड़ लगा कर ले आते रवि को हमारे सामने, हम सजा देते उसे। मार डाला मेरे भाई को, सच में मार डाला कमीनों ने। हाँ मनीष, 7 तारीख को इन्होंने रवि को मार दिया था। गलतियां बच्चे ही तो करते हैं, बच्चा ही तो था हमारा रवि, और उनकी बेटी भी तो बच्ची ही है ना। उन्होंने अपनी बेटी साधना को भी मार डाला विष्णु जी। कहाँ है हमारा रवि? मर्डर करने के बाद रवि की बॉडी को उन्होंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आई है, लेकिन हमारी तलाश जारी है। साधना को भी मारने के बाद उन्होंने पंडरपुर की नदी में फेंक दिया था, उसकी तलाश भी जारी है। इस जुर्म में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा मैं इसमें शामिल नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई जैसे कि मैं इस कहानी का मेन विलन हूं। विक्रम जी, वी आर सॉरी, हमें गुमराह किया गया, हमें जान ही नहीं पाई कि आपको फंसाया जा रहा है। जब तक रवि के अंजाम की उसकी माँ को खबर नहीं थी, वो उम्मीद की सांसों पर जीवित थी। अब जब सच्चाई सामने आई है, गीता शिंदे दर्द की सांसों में घुटने लगी है। हमारी टीम्स दोनों नदियों में ढूंढ रही हैं जहां रवि शिंदे और साधना दलवी की लाशों को फेंका गया था, पर दुर्भाग्यवश शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। संजय खोटे का इस डबल मर्डर केस में कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था, पर उसने एक संगीन जुर्म को छुपाया था और वो अपने आप में एक संगीन जुर्म है। उसी तरह नंदू ने भी सिर्फ तब मुंह खोला जब उसकी जान खतरे में आ गई, उसे भी गिरफ्तार किया गया है जुर्म को छुपाने के चार्ज पर।
बच्चे गलतियां करते हैं, पर उनकी नजर में गलती तभी गलती होती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनसे गलती हुई है। ये दरअसल हम बड़ों पर भी लागू होता है। हम अंदर से गलती तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उस गलती का एहसास नहीं होता। रवि और साधना 16 और 15 साल के थे, कुमार अवस्था में थे, जहां शरीर में बदलते हार्मोन्स की सुनामी चल रही होती है। अक्सर कहा जाता है बच्चों को नए बदलते जमाने में काउंसलिंग की जरूरत है ताकि वो अपने मसलों का हल निकाल सके। हमें लगता है सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि हम बड़ों को भी नए बदलते जमाने के सुरताल में चलने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। पुरानी सोच, पुरानी रिवायतें, पुराने हल हर बारी सही नहीं होते। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार नहीं। संगीन जुर्मों को भी न्याय प्रक्रिया संतुलित करती है, पर जब कोई हत्या करता है तब उसका परिणाम ज्यादातर एक अंधी गली होती है। फिर न्याय की प्रक्रिया द्वारा गलती को जितना भी सुधारा जाए उस गली का अंधेरा कम नहीं होता। कल रात फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।